इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर कोरोना, क्या कोरोना सच है, क्या दोबारा ये कोरोना फिर से वापस आएगा, अपना कहर नाजिल करेगा। फिर बाबा रामदेव का दावा कि WHO ने मंजूरी दी है कि कोरोनिल को, कई सारे मसाइल पर आज की ये गुफ्तगू समझिए। बेलगाम शहर और अतराफ में एक बार फिर से कोरोना दस्तक देने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ ही दिनों में हर रोज कोरोना मरीजों में इजाफे की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस बात को लेकर आवाम में बिल्कुल बेदारी या खौफ पहले की तरह नजर नहीं आ रहा। ना मास्क, ना सैनिटाइजर और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग आपको सरकारी दफ्तरों में ही नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल में कोरोना का एक और दौर आ सकता है की बात कही जा रही है, तो कुछ लोग इसके पीछे भी सियासत होने की बात करने से नहीं चूक रहे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सरकार की गलत पॉलिसियों पर एतराज जताया और कहा कि जहां पर कांग्रेस हुकूमत है क्या वहीं पर कोरोना आने की इम्कान नजर। खैर, एतराज जताते हुए कई सारे इम्कान, कई सारे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। कभी मंदिरों को बंद किया जा रहा है तो कभी कोरोना को लेकर महाराष्ट्र गोवा की सरहदों को बंद करने की बात कही जा रही है। एक बार फिर महाराष्ट्र सरहद यानी कोगनोली नाके पर कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट को लाजिम कर दिया गया। वही दूसरी ओर शादियां, इजलासों में और सियासी महफिलों में हजारों की भीड़ कम होने को तैयार नहीं। कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए सफाई मुलाजमीन तक आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, कॉरपोरेशन महकमा आगे आने के लिए तैयार नहीं। क्या वाकई कोरोना फिर से बढ़ रहा है या इसे शगुफा समझा जाए, ऐसा भी सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा। रियासत सेहत महकमा ने किसी तरह का लॉकडाउन या रात के कर्फ्यू के किसी तरह की गुंजाइश नहीं की बात कही है। डॉक्टर के सुधाकर ने भी इस बात से इत्तफाक रखते हुए कहा कि कुछ सेहत महकमा के मुलाजमीन सिर्फ गॉसिप फैला रहे पर आगे बढ़कर वैक्सीन नहीं ले रहे। सिर्फ मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना का कहर फिर से नाजिल होने की बात कही जा रही है, पर अब तक ब्राजील, साउथ अफ्रीका, UK से कोई मरीज जो यहां दाखिल हुआ है वो किसी तरह का पॉजिटिव पाया नहीं गया। हुकूमत मुमकिन कोशिश कर रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा। वही कोरोना को लेकर बाबा रामदेव ने दवा बनाने का दावा किया और ये भी कहा कि इसे आलमी सेहत तंजीम यानी WHO की हिमायत हासिल है, पर इत्तला के मुताबिक ये भी झूठ साबित हुआ है। कुछ गोदी मीडिया ने तो इस बाबा की भरपूर तारीफ करते हुए खास प्रोग्राम चलाए कि कोरोनिल कैसे बेहतर दवा है। तमाम गोदी मीडिया ने बाबा रामदेव को महान बनाने के लिए पूरी कुवत झोंक डाली। WHO का नाम लेकर कोरोना की दवा बनाने का दावा भी बाबा रामदेव का झूठा साबित हो चुका है और मोदी हुकूमत इसे नजरअंदाज करती रहती। कहने का मतलब, मोदी भक्त होने का कितना बड़ा फायदा उठाया जा रहा। आवाम की भले जान चली जाए लेकिन भगवान लिबास पहन कर जो चाहे झूठ इस बाबा रामदेव की जानिब से गढ़ा जा सकता है। अल्ट न्यूज ने रामदेव का पर्दाफाश करते हुए कहा कि पतंजलि के कोरोनिल को किसी भी आलमी सेहत तंजीम यानी WHO ने किसी तरह की मंजूरी नहीं दी है, लिहाजा मीडिया झूठ फैला रहा। कहने का मतलब, आवाम की जान से झूठ की बुनियाद पर किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है और इस मोदी हुकूमत में कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे बेहतर मिसाल बाबा रामदेव से बढ़कर नहीं हो सकती। जब सच खबर को कोई न्यूज चैनल दिखाता है, दिखाते हुए सत्ता से सवाल करता है तो इस पर मुकदमे दायर किए जाते हैं, ED IT पता नहीं क्या क्या लगा दिए जाते हैं, मकामी लीडरों के जरिए पुलिस थाने बुलाकर धमकाया जाता है। और बाबा रामदेव ने इतना बड़ा झूठ कहकर आवाम को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि देश विरोधी काम किया, लेकिन इस पर मुकदमे इसलिए दायर नहीं होते क्योंकि भगवा लिबास पहनकर बाबा जो बना हुआ है। इससे पहले भी पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स पर सवाल उठाए गए। गोदी मीडिया जहन साजी करती रहती है ताकि आवाम को देसी के नाम पर गुमराह किया जाए और आवाम को भी सोचना होगा कि प्रोपोगंडा के झूठ के खेल को समझे कब तक। यूं ही बाबा लोग आपको ठगते रहेंगे। इस देश को हम सभी ने देखा है कि आसाराम के आश्रम को कौन कौन नहीं गया। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा मौके का फायदा उठाते हैं, उनके लिए देश, आवाम, मुल्क कोई मायने नहीं रखता। अब जब एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर की बात कही जा रही है तो ऐसे कई बाबा आएंगे और अपनी दुकान चलाएंगे, दलाल लोग इसकी तारीफ करेंगे क्योंकि जमीर बेचने की बड़ी कीमत हमारे मुल्क में दी जाती है। पर सच्चाई की तहकीक जरूरी है, फासिक की खबर की तफसील जरूरी है। ऐसा लगता है कि हर खबर के पीछे कोई साजिश होती है, लिहाजा साजिशों को समझने की भी जरूरत है क्योंकि इख्तलाफ करने वालों से ज्यादा खतरनाक साजिश करने वाले होते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।